चैनल DIY विद पिंक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन है। पिछले 2-3 हफ्तों से मैं काफ़ी अपना शेड्यूल मेरा बहुत बिजी था, जिस वजह से मैं अपने स्किन केयर पर बिल्कुल भी ध्यान दे नहीं पाई, जिस वजह से आज मैं अपना ये स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्किन केयर रूटीन। किसी भी स्किन केयर को करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने स्किन को बिल्कुल थरली क्लीन कर लें। उसके लिए आप तो कोई ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं कोई भी वेट वाइप। मैंने यहाँ पे एक वेट वाइप की मदद से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और सेकेंड मैं ले रही हूँ यहाँ पर गुड वाइब्स का राइस वाटर। और उसके बाद मैं ले रही हूँ अपना मामा अर्थ का कोको फेस वॉश। ये फेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ मैं अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, बिकॉज ये फेस वॉश मेरी स्किन को एक परफेक्ट एक रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन बना देता है। बहुत एक अच्छे वाला रिफ्रेश वाला ग्लो देता है मुझे अंदर से। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। कि और मैंने इसका आपको अपने पिछली वीडियो में एक रिव्यू भी किया है, आप देख सकते हैं फेस वॉश करने के बाद मेरा स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और उसके बाद अगेन मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे करके उसके बाद लिया है अपना फेस स्क्रब लिया है, वो भी मैंने कोको फेस स्क्रब लिया है मामा अर्थ का। इसका भी रिव्यू मैं अभी करूँगी, मैंने किया नहीं है, बट ये फेस स्क्रब बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला फेस स्क्रब है। इसके यूज़ से भी मेरी स्किन पर 100% बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसने मेरे सभी डर्ट पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से क्लीन किया है, बिल्कुल जितने भी मेरे ब्लैक हेड वगैरह थे इसने बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया है मेरी स्किन को। और अंदर से बहुत ही एक सॉफ्ट स्किन इसने मेरी बना दी है, बहुत ज़्यादा सप्पल वाली स्किन इसने मुझे दी है। बहुत ही अच्छे वाला ये फेस स्क्रब है, आप भी इसको एक बारी ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए आपको इसको अच्छे से मसाज करने के बाद आप देखें कि आपका फेस कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको धोने के बाद। बड़ा ही अच्छा ग्लो है। फेस पैक लगाने का टाइम है, तो चलिए देखते हैं फेस पैक बनता कैसे है। इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून चाहिए हमें एवर रेडी का मिल्क पाउडर। ये मैंने 10 रुपये का परचेज किया है, आपको किसी भी लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएगा। सेकंड हम इसमें मिलाएंगे 2-3 टेबलस्पून ऑफ टेबल और टीस्पून अकॉर्डिंग टू द पेस्ट। हमने मिलाया इसमें 3 टीस्पून रोज़ वाटर और हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून हनी। अब हमने इन तीनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है, एक पैक बना लेना है और हमारा और ये पैक इसको अच्छे से मिला लेना है ये तीनों चीज़ों को। ध्यान रखिए बाइंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को आप उसमें बहुत अच्छे से आप मिला लेंगे, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। अच्छे से आप ये मिल्क पाउडर को इन दोनों चीज़ों में हनी और रोज़ वाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एज यू कैन सी अब ये हमारा पेस्ट हो गया है, हमारा फेस पैक हो गया है रेडी हमारे फेस पे अप्लाई करने के लिए। फेस पैक बनके तैयार है और मैं इसको अपने पूरे फेस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। आप भी एक ब्रश की हेल्प से यूज़ करें, बिकॉज जब मैं ब्रश यूज़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है रैदर देन जब मैं अपने हैंड यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपने हैंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपने हाथों को पहले बहुत अच्छे से वॉश कर ले। इसमें मिल्क पाउडर है, हनी है और है रोज़ वाटर, जो तीनों चीज़ें हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बस आपको इसको अच्छे से अपने स्किन पर लगा लेना है, नोज़ माउथ के अराउंड आपने बहुत अच्छे से लगा लेना। ये हमारी स्किन से सनटैन रिमूव करके हमारी स्किन को रिजनोवेट करता है। उसके बाद आपने जब ये फेस पैक लगा लेना है, इसको आपने कम से कम 1/2 आवर के लिए पूरे फेस पर अच्छे से लगाकर इसको आधे घंटे के लिए अपने फेस पर ज़रूर रखना है। ध्यान रहे आधे घंटे के लिए। अब ये सूख चुका है, अब इसको धोने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पर कितना अच्छा ग्लो आया है। ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड बना रखी है, आप देख सकते हैं ग्लो कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारे वीकली स्किन केयर के सभी प्रोसेस ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि फेस स्क्रब करना, फेस वॉश किया, क्लेंज यूज़ किया हमने, फेस पैक यूज़ किया। अब जो हमारा इन सब के बाद लास्ट आता है, जो एक लास्ट स्टेप रहता है, वो है फेशियल मसाज। गाइस, फेस मसाज करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि हमें एक फेस को क्लीन करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो हमने फेस पैक लगाया, जो फेस स्क्रब किया, फेस क्लींस किया, उससे हमारे फेस पे एक बहुत अच्छा ग्लो आ रखा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक लास्ट स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, जो कि है फेशियल मसाज। गाइस, इसमें क्या होता है, मैंने इसके लिए यूज़ किया है गुड वाइफ का रोज़हिप सीरम।
आपने क्या करना, आपने कोई भी अपना फेवरेट फेस सीरम लेकर या फिर कोई कोकोनट ऑयल लेकर उससे अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। और ये मसाज की टेक्निक्स गाइज आपकी स्किन को यूथफुल बनाती हैं, आपकी स्किन को यंगर बनाती है, नो रिंकल, आपकी स्किन पर कोई भी रिंकल नहीं आता इससे। और आपको ये डेली यूज़ करना चाहिए फेशियल सीरम, और अच्छे से अपने स्किन को मसाज करनी चाहिए हमें। और इस टेक्निक से जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, आप उसी टेक्निक से मसाज करें अपने चेहरे की। आपने ऐसे ही तकरीबन 5 मिनट तक अपने चेहरे की मसाज करनी है। फेशियल ऑयल को यूज़ करने के बाद किसी भी वेट टिश्यू से अपने फेस को आप अच्छे से क्लीन कर लें, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और इस सब प्रोसेस को करने के बाद जो मेरी स्किन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगने लगी है। यू कैन सी दैट जितने भी फ्लॉज थे वो ख़त्म हो गए हैं, मेरी राउंड नोज पे बहुत ज़्यादा मुझे ब्लैक हेड्स थे वो भी चले गए हैं। और गाइज मैं चाहती हूँ कि आप भी इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके एक अच्छी स्किन पा सकते हैं, और ये जो मैंने किया है उसी तरीके से ही करें, और अपना रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज, लव यू।